अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक छोटा सा व्लॉग। ये आज हम अपने अपने खेत की तरफ आए हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर बहुत सी हरियाली है, ग्रीनरी है और ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। और अभी हम जो है साग तोड़ने आए हैं। यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह जो है ना उग चुका है अभी, और अभी हम तोड़ेंगे, आप लोग खुद देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम साग तोड़ने लगे हैं, ये देख सकते हैं ताज़ा ताज़ा, और इसको पका के फिर जब बंदा खाता है तो और भी मज़ा आता है। ये आप देख लें, सरसों का साग इसे कहते हैं, ये देख सकते हैं आप। देखें क्या मज़े का लग रहा है यार, अभी तक पका नहीं है और अब भी मज़े का ही लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और फिर आप लोग को हम दिखाएंगे कि सरसों का साग कैसे बनाते हैं। और ये आप देख लें हरियाली, बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत मज़ा आता है। ये आप लोग ख़ुद भी कभी ट्राई करें। ये देखें गंदम लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखें। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत है, इसको देख के हर बंदे को ही मज़ा आता है। हम जाते हैं घर की तरफ, ये देखें। आप देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोगों ने बकरियाँ भी पाल रखी है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। दिल तो करता है एक पकड़ लो इनसे, ये आ गई है खाने के लिए, खा लो खा लो, बहुत प्यारा। और ये हम बस निकलने लगे हैं खेतों से। ये आप आखिरी नज़ारा देख लें यहाँ का, देखें हम मज़े की जगह है यार बहुत। हम घर की तरफ पहुँच गए हैं, आप लोग की अपनी मर्ज़ी। अगर आप लोग इसे बोर्ड पे भी काट सकते हैं और अगर इस तरह काटना चाहते हैं तो इस तरह भी काट लें, जिस तरह आप लोग के लिए आसान हो उस तरह आप लोग काट सकते हैं, लेकिन काटना बारीक बारीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी अम्मी जान जो है काटने लगी हैं और इसके बाद जो है हम इसे पकाएंगे, और पकाते वक्त आप लोग भी साथ साथ सीखेंगे कि ये कैसे पकाते हैं। आप देख लें, अभी अम्मी जान जो है ये साग बनाने लगी हैं। ये हमने अभी थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये एक चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसको हल्का सा ब्राउन करने के बाद फिर हम इसमें साग डाल लेंगे। ये अभी आप देख लें ब्राउन हो चुका है, साग में से पानी वगैरह निकाल के खुश करके थोड़ा सा फिर डाल लें आप इसमें। थोड़ा सा भी मिक्स कर लें, खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है मज़े की। और अभी इसे थोड़े टाइम के लिए कवर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अम्मी नमक डालने लगी है,
लाल। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करें। अभी थोड़ा सा मिक्स कर लें। क्या मजे की खुशबू आ रही है। अभी इसको हम कवर नहीं करेंगे, इसको इसी तरह ही पकाना है। 10 मिनट के लिए हमने इसको इसी तरह ही पकाना है। हमारा साग तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये कितना मज़े का दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। मेहनत हमारी, रहमत उसकी और प्यार आप सभी का। अल्लाह ताला आप लोग को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।